तो दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया? तो भाई ये वीडियो होने वाली है साइनएप्स के बारे में, एंड आखिरकार हमारा फेस्ट जो कि एनुअल फेस्ट होता है साइनएप्स, वो शुरू होने वाला है। एंड इनफैक्ट आज से शुरू होने वाला है, 11 से 15 तारीख तक है। एंड भाई शुरू होना है बिल्कुल भाई, इसका भी डांस है प्रोडिजी का, एंड ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। व्लॉग में आएगा जरूर देखना, पिछली बार वाला अगर आपने नहीं देखा था तो अच्छी बात है, नहीं देखा था आप बच गए, जरूरत ही नहीं थी दादा, आपने मिस कर दिया भाई। इस साल भाई बहुत खर्च करके उन्होंने पहले कोरियोग्राफर मंगाया भाई, हैवी मनी देकर भाई, पहली बार भाई, देखते हैं इस बार क्या उखाड़ लेते हैं। करंटली इनॉग्रेशन शुरू होने वाला है, एंड उसमें इनॉग्रेशन प्ले होगा, एंड बेसिकली क्या होता है साइनएप्स का एक स्टार्टिंग होने वाली है कि साइनएप्स 23 स्टार्ट हो रहा है। अरे ठीक है, तो हम बस वहीं जा रहे हैं। तो ये जो होने वाला है हमारे ऑडिटोरियम में होने वाला है, तो भाई जल्दी से चलते हैं वहाँ पे, पूरे 5 दिन चलने वाला है, एंड भाई बहुत कुछ होगा। ओके, इससे पहले यार रूम की हालत देख लो कैसी हो रखी है, एंड यहाँ पे बुक पड़ी हुई है। याद आया भाई कि यार फेस्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है मुझे पढ़ने का, एंड फेस्ट के बाद जस्ट बाद हमारे 15-20 दिन में हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं, और भाई सारा सिलेबस आ रहा है, इसका मतलब भाई रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। भाई सबसे पहले प्रेप लैडर का क्वेश्चन बैंक 5.0 सॉल्व कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि भाई मैं कितनी प्रीवियस चीजें रिकॉल कर सकता हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले पुराने टॉपिक्स का क्यू बैंक सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिनको रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे क्या होगा, जो मेरी पुरानी नॉलेज है वो टेस्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ नई इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड भाई ये मेरा गलत हो गया, जबकि मैंने ये प्रीवियसली पढ़ा भी हुआ था। भाई बात ये हुई कि इसका कॉन्सेप्ट जो था मैं भूल गया, तो भाई इसलिए गलत हो गया। इसके लिए भाई ये फीचर बहुत हेल्प करता है कि भाई राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन नीचे ही दे रखा हो, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स में एक फाइन ग्रिप आ जाती है, और इसी के नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जो कि क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इसमें वो सारी क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। भाई एमबीबीएस में बहुत सारी मेडिकल टर्म्स होती है, जिनका मीनिंग याद करके हम बार बार भूल जाते हैं, एंड एग्जाम में भाई ये चीज बहुत प्रॉब्लम देती है। तो इसमें भाई प्रेप वोकैब फीचर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो कि एज अ इनबिल्ट डिक्शनरी काम करता है। मतलब आप वर्ड पे क्लिक करते हो एंड उसका मतलब स्क्रीन पे आ जाता है, और कभी भी कोई मुझे डिफिकल्ट वर्ड लगता है मैं उसे सेपरेटली अपने नोट्स में लिख लेता, ताकि रिवीजन के वक्त वो मुझे याद रहे। और भाई सच बताओ तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जिसमें बस रट्टा ही मारना होता है और आप कुछ कर नहीं सकते। इन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रेजर्स का फीचर दिया रहता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन वेल मैनर्ड फ्लो चार्ट या टेबुलर फॉर्म में दे रखी होती है। और सच बताओ तो एग्जाम टाइम पे यही फ्लो चार्ट्स और टेबल्स याद आते हैं, एंड बाकी जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उन्हें फर्दर बुकमार्क कर लेता हूं, ताकि बाद में जाकर उन्हें रिवाइज कर सकूं। और सच बताओ तो भाई ये चीज लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जल्दी से थोड़े बहुत क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एंड इनॉग्रेशन के लिए चलते हैं। ओके, तो अभी इसका बैडमिंटन का मैच है, एंड पहला मैच हारने की, उसमें अगर मैं हारता रिकॉर्डिंग्स नहीं आएंगे, अगर मैं जीत गया तो आएंगी भाई, हर हालत में आएंगी। Very impressive. That. खारिया का भी मैच है, टीटी मैच है, एंड वो देखते हैं। खारिया टीटी मैच, यस टीटी मैच है, डबल्स का मैच है, आ जाओ भाई। ये और लोकेश है प्लस, एंड मुझे पता है क्या ही होने वाला है। क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला तुमसे, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं। एमसी की टी शर्ट पहनी है, अब एक्सपोज करने का वक्त आ गया गेम के लिए। Yeah.
ठीक है, हो गया। थोड़ा लक खराब हो गया लास्ट राउंड में, इतने गंदी तरीके से हार गया भाई। चल कोई नहीं, अच्छा खेला। तो अभी ऑडिटोरियम से जो हमारा प्ले इनॉग्रेशन में जो हमारा प्ले था वो हमने देखा भाई, बहुत ही सेक्सी था। एंड वो कंप्लीट करने के बाद एंड माइम भी हुआ था भाई, वो भी बहुत तगड़ा लगा मुझे। करो तो शाम को हमारे निजाम ब्रदर्स आ रहे हैं, कवाली नाइट होने वाली है, सूफी नाइट होने वाली है, उसमें मिलते हैं। ओके रहीम के मतवालो, भाषा के लिए ये क्यों लड़ते हो? अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने है। अल्लाह दरबार पुरानी है मगर काट वही है, और इस उम्र में भी देखिए माशाल्लाह ठाट हुई है। हारने वालों में पहला मैच यहाँ पर मेरा पहला मैच हो चुका है, सावन और दिव्यांश का है, और देखते हैं बहुत सेक्सी मैच होने वाला है। काफी ज्यादा सपोर्ट है। कौन सी ले रहा है सावन? एमसीआई मैनचेस्टर ले रहा है, लिवरपूल। चलो देखते हैं जो भी होता है। तो अभी करेंटली हम अतर का मैच देखने जा रहे हैं। मैच अतर का मैच नहीं, अरे मैच तो भाई अपना हुआ है। डांस देखने जा रहे हैं। नहीं भाई जीत चुके हैं, फर्स्ट मैच जीते हैं अभी, ठीक है। अरे देखते हैं क्या ही होता है। दूसरा इंटर्न के साथ वो मेरे को हरा देगा भाई। इसको पास मिल गया फर्स्ट मैच में, इसलिए पास नहीं मिला। 3-0 मैंने हाफ टाइम पे कर दिया था और वो छोड़ के चला गया गेम, तो सोचो 6-0। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है। अभी हम डांस देखने जा रहे हैं, प्रोडिजी का वैसे तो ऐसा ही होता है, पर देखते हैं क्या ही कर लेंगे। पर ठीक है, भाई 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 क्या डांस है, क्या नाचे हैं भाई साहब। मैं स्टेज पे आया, पहले आवाज आई नॉन देव, वो सब हम सभी चिल्ला रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। इसको इतना सपोर्ट किया कि नर्वस ही हो गया पूरा, पर ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई पखारी अथर के लिए प्यार निकल रहा है इतना भाई। ये देखिए देखिए देखिए, सावन टू अथर ये जी पे जा रहा है, ये यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, यू आर विद मी इन माय हार्ड टाइम्स। ओके अथर, ये सावन का मैसेज है मेरे लिए, ये तेरा हो रहा है एज़ इट, वहाँ पे हो रहा है बैक बोन स्टील, यहाँ पे हो रहा है हमारा कौन सा बूटी पावर, जिस पर लिटरली हम ही है यहाँ पे। भीड़ हो रही है भाई, लोकेश भीड़ हो रही है भाई, साइड हो जा। गाइस दिस इज दिखा, दिस इज द कॉइन एंड आई एम गोना डिसअपीयर इट। ओके सो दिस इज हियर, वहां जा रहे हैं लोग। हां, तो यहाँ पे पखारी अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए भाई साहब, वेटिंग लग रही है भाई, लाइन लग रही है, लाइन लग रही है भाई, चार और सर खड़े हैं वहाँ पे भाई, सारे भाई पुकारे के तो फेमस हो चुका है भाई, और सारी लड़कियां हैं, ये बात तो देखो, लड़कियों 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 लड़कियों। अदर तेरे लिए कब होगा ऐसा? आएगा दिन, आएगा। चल अभी तो बूटी पावर खेल, पखारी और मैं खेल रहे हैं बूटी पावर, यस, एंड अथर भी खेल रहे हैं भाई, लग रहा है अथर जीत जाएगा यार। क्यों? अथर के पास वो सामान है जीतने का, बहुत बड़ा सामान है जिसे जीत सकते हैं। तुझे भी खेलना चाहिए भाई, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, कोशिश करते हैं। आता है बांधना तुझे? हाँ, नॉट बांधनी आती है। चल ठीक है, वहाँ पे सावन आया है, ये जोश में आया तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ भाग पाएगा। तुझे क्या लगता है? बहुत कम स्टैमिना है, और गिरेगा और ही और लगता नहीं, गिरने के भी चांसेस है। पखारिया फुला रहा है उसके लिए, ये उल्टा हो रहा है, भागते हुए आया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी चीटिंग करी है, थोड़ी सी एक बनाया पकड़िए, दम तो है इसके बम में। टेबल जाएगी मुझे, सावन छह फोड़ चुका है जिसमें से दो पकारिया ने फुलाए, खत्म हो गया। अरे सर पीछे पीछे, अदर पीछे, बढ़िया, एक और आगे बढ़ के।
तो भाई यहाँ पे पचौरी माहौल मेकर के लिए भाई पूरा रेडी अप हो गया है भाई। देखो पूरे पोस्टर वोस्टर जो काम आएंगे वो इसने सब ले लिया है। तो ना मतलब हाँ, तो जो मैमसी कॉस्मोपॉलिटन है भाई वो आज डर लग रहा है भाई। इसलिए भाई पता है पूरी रात भर प्रैक्टिस करता था। लाइक क्या टाइमिंग होती थी बताइए? सुबह 7 बजे तक, रात को 10 बजे से 7 बजे तक। भाई सच में भाई सुबह सुबह आता था, मैं उठ रहा होता था, ये सो रहा होता था भाई। बहुत मेहनत करी है एंड आज इसकी मेहनत देखेंगे। एंड भाई ये देखने के लिए भाई बहुत भीड़ हो जाती है भाई। तो मतलब अभी वीडियो में दिखा देगा सबन कितनी भीड़ होगी, जगह नहीं होती भाई, जगह नहीं होती भाई, बहुत भीड़ हो जाती है। वैसे तो आपने पिछले साल भी देखा था, बट ठीक है हर साल कुछ नया ही होता है एंड इंटरेस्टिंग होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके चलती है कानों से बारा नाटक है, मेरा गला बैठ गया था, फिर भी मुझे समाज में एक मैसेज देने के लिए ना आवाज उठानी पड़ेगी। समाज में नहीं, वो पार्टी चाहिए इसको, और कुछ नहीं है। ये सब तो वो साइड में मिल जाए तो। तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? अपने साथियों के साथ क्यों नहीं है तू? क्योंकि क्या होता है बहुत लोग सो रहे होते हैं और इसमें जो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहता। बात ये ना, सीनियर सो रहे होते हैं, ऊपर से देखेंगे भाई, वो चप्पल मैं नहीं जा रहा भाई, नहीं करना मेरे को अवेयरनेस। डार्ट मारनी है, जिस नंबर पे वो आएगी उस नंबर से रिलेटेड हम पे डेयर है, तो वो डेयर परफॉर्म करना है। 1 मिनट दिया जाएगा, अगर 1 मिनट में कर लिया तो चॉकलेट मिलेगी। हाँ, चॉकलेट मिलेगी? नहीं मिलेगी हमें चॉकलेट। डायरेक्ट मारा तो डायरेक्ट चॉकलेट मिलेगी। यही रुक जा जरा, मेरे संग चल, सोच। स्लाइस क्लियर हो गया, हम स्लाइस लेंगे भाई। बियर फोन करवा रहे हैं भाई, पैसा तुम्हारे पास कुछ नहीं आने वाला। पिला के रहो, ये बताओ कैश भी दे रहे, पता ना लो। अच्छा ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, पता नहीं। अरे बना के नीचे चार पांच डाल दो। तू ट्राई नहीं कर रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि कल ज्यादा हो गई थी इसलिए अब ट्राई नहीं कर पा रहा है? नहीं, मैं गोयल खानदान को मैं सब करता ही नहीं, करता नहीं हमारे यहाँ खानदान में ये सब नहीं होता। कल कुछ तो और हो रहा था। चलो ठीक है, ओके।
डांस परफॉर्मेंस अभी। यस चलो देखते हैं हलोगे या नहीं हलोगे। अरे भाई इस बार आईआईटी दिल्ली का टक्कर देंगे। हमारी EDM नाइट है एंड उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं एंड अभी फैश भी होगा। तो अभी प्रोडिजी का डांस हुआ था ठीक है पिछली बार से तो उन्होंने अच्छा ही किया है एंड EDM में जाएंगे एंड सेट बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है आजकल वैसे दिखता नहीं है माहौल बन जाता है पता नहीं ये कहीं अपना ही माहौल बनाने निकल जाता है सेट। कुछ बोलना चाहेगा? डेड है। EDM नाइट है एंड रैबिटर आ रहा है। तुझे पता है रैबिटर कौन है? डीजे है। मूड इंडिगो IIT में भी है। तो अभी फैश नाइट भी है एंड वो भी देखेंगे। जल्दी से पार्टी कर लेते हैं भाई कुछ नहीं बाय। सिड आता तो हो जाता है ना। मैंने नहीं बोला ये बोल रहा था। ले ले ले। Okay, that's great. So, I think, yeah. It's a proud moment for me to be in Tanzania. Zor se bol. I'm feeling very nostalgic. Kuch nahi milna. जो सब जानते जो